नमस्कार, स्वागत है आप सभी मित्रों का टारगेट विद आलोक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं सुधांशु पटेल आप सभी लोगों का इकोनॉमिक्स के आज के सेशन में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जो डिस्कस करेंगे उस टॉपिक का नाम है पावर्टी या गरीबी। गरीबी, पूरे भारत भर में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसको गरीबी के बारे में ना पता हो। तो फिर पढ़ते क्यों हैं भाई? बड़ा बढ़िया प्रश्न है। ऐसा कोई व्यक्ति इंसान नहीं होगा जिसको इसके बारे में ना पता हो गरीबी क्या होता है। जब सबको पता है तो हम पढ़ाई क्यों करते हैं? रीजंस क्या है? रीजंस ये है कि भारत में समय के साथ में क्या गरीबी की संख्या में कुछ कमी आई है? क्या कुछ लोग ऐसे हुए हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन थे और समय के साथ में वो गरीबी रेखा से ऊपर एबो पॉवर्टी लाइन आ गए हैं? तो पढ़ने के तरीके हैं और समय समय पर लोगों के द्वारा गरीबी की परिभाषा में भी कुछ परिवर्तन थोड़े मोड़े किए जाते रहे। सामान्य बातचीत अगर हम करें आपसे तो गरीबी क्या होता है? गरीबी एक सिचुएशन होती है, एक कंडीशन होती है, एक दशा होती है। कैसी दशा होती है? एक ऐसी स्थिति, एक ऐसी दशा जिसमें एक व्यक्ति अपनी न्यूनतम मूलभूत आवश्यकताओं को प्राप्त पूरा नहीं कर पाता है, गरीबी कहते हैं। ध्यान समझिएगा, परिभाषा के बारे में अगर हम कहें तो हम कहेंगे एक ऐसी स्थिति जिसमें एक व्यक्ति अपनी न्यूनतम मूलभूत आवश्यकताओं को प्राप्त नहीं कर पाता है, गरीबी कहते हैं। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई। लेकिन ये एक बड़ा सा शब्द लिखे हैं, न्यूनतम मूलभूत आवश्यकताओं। ये क्या होता है एक बार इसको भी बता दीजिए। बिल्कुल बताएंगे भाई, न्यूनतम मूलभूत आवश्यकताओं का क्या तात्पर्य है? जो बॉक्स किया, इस वर्ड का क्या तात्पर्य शब्द का? तो जब हम स्वतंत्र हुए तो स्वतंत्रता के समय न्यूनतम मूलभूत आवश्यकताएं बहुत सीमित थी। सीमित होने का मतलब व्यक्ति चाहता था कि उसको रोटी मिल जाए, मतलब खाना मिल जाए। रोटी का तात्पर्य क्या है? खाने से भोजन मिल जाए। कपड़ा मिल जाए भाई, तन ढकने के लिए कपड़ा मिल जाए, और अगर हो पाए तो मकान की व्यवस्था हो जाए। तो रोटी, कपड़ा, मकान, ये न्यूनतम मूलभूत आवश्यकताओं से संबंधित थी। लेकिन समय बदला, समय में परिवर्तन हुआ, आज की स्थिति तक आए, तो अब क्या आप सोचिए, क्या रोटी, कपड़े, मकान से व्यक्ति की सारी इच्छाएं, सारी आवश्यकताएं पूरी हो जाती? तो हम कहेंगे अब गड़बड़ है, अब कमी लगेगी बास्केट में न्यूनतम मूलभूत आवश्यकताओं। तो अभी क्या हो गई है? आज की बातचीत करें, वर्तमान समय की बातचीत करें, तो वर्तमान समय में न्यूनतम मूलभूत आवश्यकताओं में अब देखो, रोटी, कपड़ा, मकान तो बहुत आवश्यक है, इसमें कोई संदेह मत रखिएगा कि इसमें कोई कमी चाहिए नहीं। रोटी, कपड़ा तो चाहिए ही चाहिए, रोटी भी चाहिए, कपड़ा भी चाहिए और मकान भी चाहिए भाई, ठीक, अच्छी बात है। लेकिन अब आज के टाइम में सोचिए, क्या व्यक्ति बिना शिक्षा के कुछ कर सकता है? मतलब व्यक्ति को शिक्षा भी चाहिए। जिस तरीके का समय परिवर्तित हो रहा है, समय बढ़ता चला जा रहा है, उस तरीके से नई नई बीमारियां आ रही हैं लोगों के पास में, नई नई बीमारियां, COVID-19 नई महामारी। ऐसी स्थिति में आप कहेंगे कि उसको स्वास्थ्य सुविधाएं भी मिले, स्वास्थ्य सुविधाएं भी मिल जाए, बिल्कुल सही भाई।
अब देखिए पिछले 2-3 वर्षों से कोविड कोविड-19 के बाद से आप देखेंगे डेंगू टाइफाइड जैसी बीमारियों का प्रकोप बहुत बढ़ गया है। तो ऐसी स्थिति में स्वास्थ्य सुविधाओं तक अवेलेबिलिटी है कि नहीं व्यक्ति की, है तो अच्छी बात है। इसके साथ साथ कम से कम विद्युत आपूर्ति पहुंचो, विद्युत आपूर्ति तक पहुंचो, बिजली तक पहुंचो। विद्युत आपूर्ति के साथ साथ आप देखिए तो आप कहिए कम से कम स्वच्छता सुविधाओं तक पहुंचो, स्वच्छता सुविधाओं तक पहुंचो, देखिए समझिएगा, स्वच्छता सुविधाओं तक पहुंचो आदि वस्तुओं को हम डालेंगे कि न्यूनतम मूलभूत आवश्यकताओं की कैटेगरी में, यह संभव है। देखो भोजन की बातचीत करें तो आपको पता है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली एक होता है। क्या होता है भाई, ये नहीं सुना है कभी? सार्वजनिक वितरण प्रणाली, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। देखिए अगर हम इसके बारे में बातचीत करें तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर भारत में सबसे पहले इसको शुरू किया गया था। एक ऐसी प्रणाली जिसके तहत क्या किया जाता है, अनाजों को क्या किया जाता है, सब्सिडाइज रेट पर सब्सिडी दी जाती है, सब्सिडी दी जाती है ताकि लोगों तक इसकी पहुंच हो सके। मतलब क्या, इसका मतलब नहीं समझ में आया, फिर से समझाइए। बिल्कुल समझाएंगे। देखिए क्या था, आपको पता है कि स्वतंत्रता के समय जब अंग्रेज हमको छोड़कर गए, स्वतंत्रता देकर गए, तो उस समय की स्थिति बड़ी विकराल थी। लोग गरीबी, बेरोजगारी, खाद्यान्नों की कमी, हम इंपोर्ट पर डिपेंडेंट थे, आप समझिए, हम खाद्यान्नों के आयात पर निर्भर थे। आप समझ लीजिए एक भारत एक कृषि प्रधान देश, स्वतंत्रता के समय उस पर निर्भरता किसकी, इंपोर्ट पर। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका जैसे देश हमको इंपोर्ट देते थे। तो अब सोचिए उस समय ये समझा गया कि भाई जब खाद्यान्नों की कमी है तो जो गरीब आदमी है, बेरोजगार आदमी है, उस तक भी कम से कम कुछ भोजन की पहुंच हो, तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मजबूत कराए गए। इसके तहत गेहूं, चावल, मोटे अनाज सब्सिडाइज रेट पर, कम कीमत पर, मार्केट से बहुत कम कीमत पर, अभी तो फ्री में चल रहा है, अभी तो फ्री में चल रहा है। कोविड-19 ये जो बजट हमारा अनाउंस हुआ था 2023-24 का, इस बजट में फ्री ऑफ कॉस्ट में घोषित किया गया था। अभी फिर चुनावी कैंपेन चलने लगे हैं तो आगे 5 वर्ष के लिए फिर और इसको फ्री कर किया जा रहा है, तो फ्री चल रहा है। तो भोजन तो मिल गया भाई सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत। कपड़ा, कपड़ा भी आप देखेंगे दोस्तों तो बहुत सारा कपड़ा ऐसा है जिस पर सरकार टैक्स नहीं लेती है, सस्ती कीमत पर उपलब्ध कराती है। मकान, आपको पता है प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अगर मकान की बातचीत करें तो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के लिए सब्सिडाइज रेट पर भवन उपलब्ध, घर उपलब्ध कराने की बातचीत करती है। शिक्षा, शिक्षा के बारे में अगर आप थोड़ा सा सोचिए तो आप देखेंगे राइट टू एजुकेशन के थ्रू, शिक्षा के अधिकार के तहत फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बातचीत की गई। चलो शिक्षित भी हो जाओ, शिक्षित भी हो जाओ। स्वच्छता के बारे में बातचीत करें, स्वास्थ्य के बारे में आप डिस्ट्रिक्ट लेवल के हॉस्पिटल में जाइए, 1 रुपए का प्रिस्क्रिप्शन बनवाइए और आराम से 5 दिन तक सलाह लीजिए डॉक्टर से, दवा आपको मुफ्त में मिलेगी स्वास्थ्य केंद्र से। स्वास्थ्य की सुविधाओं, प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना, ढेर सारे स्कीम जो स्वास्थ्य की उपलब्धता सुनिश्चित करते हैं, जो क्या करते हैं, स्वास्थ्य की उपलब्धता सुनिश्चित करते हैं। विद्युत, विद्युत की बातचीत करें तो जो लोग बिलो पॉवर्टी लाइन की कैटेगरी में थे उनके लिए व्यवस्था क्या की गई, उनके लिए प्रावधान किया गया कि एक प्रकार से आप क्या करेंगे, आपको बहुत कम कीमत पर सब्सिडाइज रेट पर क्या किया जाएगा, आपको विद्युत का कनेक्शन दिया जाएगा। फिर स्वच्छता के बारे में, अब स्वच्छता के संबंध में आप देखो तो चाहे स्वच्छ भारत मिशन हो जिसके तहत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में शौचालयों का निर्माण कराया गया ताकि क्या हो सके, स्वच्छता के संबंध में हम जानकारी फैला सके। कहने का मतलब होलिस्टिक वे में जब लोग इन सब चीजों तक पहुंच स्थापित कर पाएंगे, पहुंच अपनी बना पाएंगे, तो हम कहेंगे कि व्यक्ति क्या है, गरीब नहीं। अगर इन तक पहुंच नहीं होगी तो माना जाएगा गरीब है। गरीबी 2 प्रकार का होता है। गरीबी के प्रकार की बातचीत करें तो गरीबी मूलतः गरीबी के प्रकार, तो गरीबी के प्रकार को आप देखेंगे गरीबी मूलतः 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की, 2 प्रकार की।
दो प्रकार की होती है, ठीक। दो प्रकार क्या क्या है गरीबी की? एक तो है आपकी निरपेक्ष गरीबी, एक है आपकी निरपेक्ष एब्सोल्यूट पॉवर्टी। और दूसरा क्या है? सापेक्षिक गरीबी, रिलेटिव पॉवर्टी। सापेक्षिक गरीबी, रिलेटिव पॉवर्टी। ठीक, चलो देख लो। निरपेक्ष गरीबी का मतलब एक ऐसी गरीबी की स्थिति जिसमें एक व्यक्ति न्यूनतम मूलभूत आवश्यकताओं तक पहुंच स्थापित नहीं कर पाता है। वास्तविक गरीबी यही होती है, वास्तविक गरीबी। और ये क्या है फिर? सापेक्षिक गरीबी क्या है? सापेक्षिक गरीबी वस्तुतः कोई गरीबी नहीं है, यह एक समाज में रहने वाले विभिन्न लोगों के मध्य में उनकी आय की इनकम को लेकर, उनके लिविंग स्टैंडर्ड को लेकर, खान पान को लेकर, रहन सहन को लेकर कंपेयर करता है। सोसाइटी में विभिन्न लोगों के मध्य में जो तुलना होती है, कंपेयर होती है, उसको सापेक्षिक गरीबी कहते हैं। एक गरीबी नहीं होता, मैं बार बार बोल रहा हूं, गरीबी नहीं होता, ये असमानता, इनइक्वालिटी को इंडिकेट करता है। इनइक्वालिटी असमानता को प्रदर्शित करता है। अब देखो यहां पर जब हम बातचीत करते हैं निरपेक्ष गरीबी के बारे में, तो निरपेक्ष गरीबी समझिएगा क्या है। तो मैंने कहा एक ऐसी गरीबी जिसमें, या ऐसी गरीबी जिसमें व्यक्ति न्यूनतम मूलभूत आवश्यकताओं को प्राप्त नहीं कर पाता है। ठीक। और इधर देखेंगे, इधर क्या है? सापेक्षिक गरीबी में यह वस्तुतः कोई गरीबी नहीं होता है। इधर क्या लिखेंगे? यह गरीबी नहीं होती है, यह वस्तुतः शब्द का इस्तेमाल करते हुए लिखेंगे, वस्तुतः गरीबी नहीं होती है, यह असमानता को प्रदर्शित करती है, ठीक है। इसमें समाज में रहने वाले विभिन्न लोगों के मध्य में आय स्तर, रहन सहन स्तर खान पान आदि की तुलना पर, या आदि की तुलना की जाती है, तो ये असमानता से संबंधित है और ये वास्तविकता में गरीबी से संबंधित है। ठीक बहुत अच्छी। तो जो ये होता है निरपेक्ष गरीबी, निरपेक्ष गरीबी का आकलन गरीबी रेखा के आधार पर किया जाता है। किसके आधार पर? पॉवर्टी लाइन। ध्यान समझना, गरीबी रेखा क्या होती है? गरीबी रेखा
वह रेखा होती है जिसके अंतर्गत समाज में रहने वाले विभिन्न लोगों के न्यूनतम मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रतिनिधित्व करती है। मतलब अगर हम कहें कि एक व्यक्ति को सोसाइटी में जीवित रहने के लिए, सपोज करिए पॉवर्टी लाइन की बातचीत कर रहे हैं, एक समाज है, समाज में 100, 200, 500 हजार लोग हैं, न्यूनतम मूलभूत आवश्यकताओं की बातचीत करें, तो सपोज करिए कि न्यूनतम मूलभूत आवश्यकता ये है। अब न्यूनतम मूलभूत आवश्यकताओं को अगर हम बातचीत करें पैसे में, तो सपोज करिए कुछ अमाउंट का पैसा रख लीजिए। हम एग्जाम्पल बता रहे हैं, वास्तविक नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूं, ये काल्पनिक एग्जाम्पल है। मैंने कहा सपोज करिए 50 रुपए मानिए पर डे को, कि अगर कोई व्यक्ति 50 रुपए कमा लेता है तो अपनी न्यूनतम मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा कर लेता है, रोटी भी पा जाता है, ठीक है, शिक्षा तक अवेलेबिलिटी हो जाती है, कपड़ा भी धीरे धीरे मिल जाता है उसको, है ना, मतलब सारी सुविधाओं तक पहुंच हो जाती है अगर 50 रुपए की इनकम हो जाती, तो हम कहेंगे कि ये जो 50 रुपए है ये पॉवर्टी लाइन है। तो आप समझिए, सोसाइटी में 50 रुपए से नीचे जिसकी इनकम होगी, जिसकी इनकम क्या होगी 50 रुपए से कम होगी, उसको बिलो पॉवर्टी लाइन कहा जाएगा। जो भी व्यक्ति की इनकम 50 रुपए से कम होगी इसको बिलो पॉवर्टी लाइन कहा जाएगा। और अगर व्यक्ति इससे ज्यादा कमाता है, 60 रुपए, 70 रुपए, 100 रुपए, 200, 500, 1000, 2000, तो आप कहेंगे वो क्या है, वो अबव पॉवर्टी लाइन। तो गरीबी रेखा क्या होती है, गरीबी रेखा न्यूनतम मूलभूत आवश्यकताओं को दर्शाने वाली, समाज में न्यूनतम मूलभूत आवश्यकताओं को प्रदर्शित करने वाली रेखा होती। तो अगर लिखना हो तो गरीबी रेखा के लिए लिख लो, गरीबी रेखा एक समाज में न्यूनतम मूलभूत आवश्यकताओं का प्रतिनिधित्व, न्यूनतम मूलभूत आवश्यकताओं को प्रदर्शित करने वाली रेखा होती है जिससे या जिसके द्वारा एक व्यक्ति न्यूनतम संतुष्टि को प्राप्त कर लेता है। भारत में गरीबी रेखा का आकलन पर हेड काउंट रेशियो द्वारा किया जाता है। तो भारत में सापेक्षिक गरीबी कोई गरीबी नहीं, वास्तविकता में बार बार बोल रहा हूं, सापेक्षिक गरीबी कोई गरीबी है ही नहीं। सापेक्षिक गरीबी क्या है, असमानता, इनइक्वालिटी को दर्शाती, असमानता को दर्शाती, असमानता गरीबी नहीं होती है। फिर मैं कह रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं, प्रश्न जब पूछेगा तो बड़ा जटिल कर देगा और कंफ्यूजन में ऑप्शन देगा कि जो सापेक्षिक गरीबी होती है वो दर्शाती है गरीबी को, मुद्रास्फीति को, महंगाई को, है ना, या फिर कर देगा असमानता को। तो उसमें आपको टिक करके आना असमानता को, इनइक्वालिटी को दर्शाती। तो हमने ये बताया कि भाई भारत में जो सापेक्षिक गरीबी है, सॉरी निरपेक्ष गरीबी, निरपेक्ष गरीबी का आकलन किसके द्वारा किया जाता है, गरीबी रेखा के द्वारा। और जो सापेक्षिक गरीबी होती, सापेक्षिक गरीबी का आकलन लिखिएगा, भारत में सापेक्षिक गरीबी का आकलन, नहीं भारत में नहीं लिखिए, नोट करके लिखिएगा, सापेक्षिक गरीबी का आकलन
आकलन, लॉरेंज वक्र तथा गिनी गुणांक द्वारा किया जाता है। लॉरेंज वक्र तथा गिनी गुणांक द्वारा किया जाता है, गुणांक द्वारा किया जाता है, किया जाता। तो लॉरेंज वक्र क्या होता है, देखो ऐसे कुछ इस तरीके से बनता है लॉरेंज वक्र। ये हो गया, ये 45 डिग्री की लाइन होती है, 45 डिग्री की इसको बोलते हैं, ये जो लाइन गई है निरपेक्ष समता रेखा, निरपेक्ष समता रेखा। जो लॉरेंज वक्र है वो कुछ इस तरीके से जाता है, ये जो कर्व है इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, लॉरेंज वक्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लॉरेंज वक्र बोलते हैं। जो लॉरेंज वक्र है ये असमानता को दर्शाता है, इसका प्रत्येक बिंदु जो है वो क्या दर्शाता है, असमानता, इनइक्वालिटी को दर्शाता है। ये आपको पता है कि ये वाई एक्सिस होता है, ये वाला एक्सिस आपका एक्स एक्सिस होता है। जो वाई एक्सिस होता है उसमें कुल आय का संचयी प्रतिशत शो किया जाता है, क्या शो किया जाता है, कुल आय का संचयी प्रतिशत, संचयी प्रतिशत। और जो एक्स एक्सिस होता है उसको क्या शो करता है, वो आय प्राप्तकर्ताओं का, कुल आय प्राप्तकर्ताओं का संचयी प्रतिशत, आय प्राप्तकर्ताओं का संचयी प्रतिशत, संचयी प्रतिशत। ये है आपका संचयी प्रतिशत। तो ऐसा सिस्टम है, ये क्या दिखाता है, लॉरेंज वक्र असमानता को इंडिकेट करता है। और गिनी गुणांक क्या होता है, गिनी गुणांक यही जो लॉरेंज वक्र है, लॉरेंज वक्र के सांख्यिकी मान को गिनी गुणांक कहते हैं। क्या कहेंगे, लॉरेंज वक्र के सांख्यिकी मान को, सांख्यिकी मान को, मान को गिनी गुणांक कहते हैं, गिनी गुणांक कहते हैं। गिनी गुणांक का मान जो होता है, गिनी गुणांक का मान जीरो से एक के मध्य होता है, मध्य होता है, जहां पर जीरो मान, जीरो मान राष्ट्रीय वितरण की पूर्ण समानता को, मतलब पूर्ण समानता को, राष्ट्रीय आय वितरण की पूर्ण समानता को, पूर्ण समानता को तथा एक मान, राष्ट्रीय वितरण की पूर्ण असमानता को, पूर्ण असमानता को प्रदर्शित करता है। करता है, ठीक, ये हो गया, इतना हो गया। तो कभी कभी पूछ लेता है कि गिनी गुणांक का जीरो मान क्या दर्शाता है, क्या शो करता है, तो आप कहेंगे गिनी गुणांक का जो जीरो मान होता है वो दर्शाता है पूर्ण समानता को, किसकी पूर्ण समानता को, राष्ट्रीय वितरण की। और गिनी गुणांक का एक मान क्या दर्शाता है, तो आप कहेंगे राष्ट्रीय वितरण की पूर्ण असमानता को, फुल इनइक्वालिटी को शो करता है। ठीक है, ये हो जाएगा, इतना हो गया, चलो बहुत अच्छी बात है। अब भारत में गरीबी रेखा का आकलन देखेंगे, तो अगला हेडिंग करेंगे भारत में गरीबी रेखा का आकलन, रेखा का आकलन। अब गरीबी रेखा के आकलन को अगर हम बातचीत करें तो आप ध्यान से समझिएगा दोस्तों, तो भारत में स्वतंत्रता से पहले, या हम बातचीत करें भारत में सबसे पहले दादा भाई नेहरू जी किताब बहुत फेमस है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। किताब का नाम क्या है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। में क्या किया था, सबसे पहले गरीबी रेखा का आकलन किया था।
गरीबी रेखा का आकलन कब किया था? 1867-68। उन्होंने क्या बताया? उन्होंने 16 से 35 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष को गरीबी रेखा बताया और कहा कि अगर कोई व्यक्ति एक वर्ष में 16 से 35 रुपए की अर्निंग नहीं कर पाता है, कमा नहीं पाता है, या अपनी न्यूनतम मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में खर्च नहीं कर पाता है, तो हम कहेंगे कि वो गरीब है। तो लिखते हैं, पहला लिखेंगे दादा भाई नेहरू जी। भारत में सर्वप्रथम अठारह सौ सड़सठ में दादा भाई नेहरू जी ने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में सर्वप्रथम लिखा हुआ सर्वप्रथम में गरीबी रेखा का आकलन किया। उन्होंने 16 से 35 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष को गरीबी रेखा बताया। इतना बताया कि अगर कोई व्यक्ति 16 से 35 रुपए की अर्निंग एक साल में नहीं कर पाता है तो हम कहेंगे वो बिलो पॉवर्टी लाइन जीवन यापन कर रहा है, और अगर 16 से 35 रुपए की अर्निंग कर ले रहा है या इससे अधिक की अर्निंग कर ले रहा है तो हम कहेंगे वो अबव पॉवर्टी लाइन है। ठीक ठीक, बहुत अच्छी बात है। फिर आगे चलते हैं। स्वतंत्रता के बाद काम बहुत सारे लोगों ने किया, जैसे हम बातचीत करेंगे नेशनल प्लानिंग कमेटी, राष्ट्रीय योजना समिति 1938 में बनती, सुभाष चंद्र बोस ने, उन्होंने भी बताया गरीबी के बारे में। बॉम्बे प्लान ने भी कुछ बातें की, लेकिन फाइनली जब हम बातचीत करेंगे तो स्वतंत्रता के बाद सबसे पहले 1971 में नीलकांत दांडेकर एवं एनरथ साहब ने, किसने? नीलकांत दांडेकर एवं एनरथ साहब ने। तो लिखिएगा, बताते समझाते, स्वतंत्रता उपरांत वैज्ञानिक विधि से भारत में सर्वप्रथम गरीबी रेखा का आकलन उन्नीस सौ इकहत्तर में नीलकांत दांडेकर एवं एन रथ के द्वारा किया गया उन्होंने भारत में गरीबी रेखा निर्धारित किया। अब इसका मतलब क्या है, समझ लो इसको, इतना लिख लेना, समझो। कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति भारत देश में रहता है और एक दिन में 2250 कैलोरी की ऊर्जा के बराबर का भोजन नहीं ग्रहण कर पाता, नहीं खरीद पाता है, कंज्यूम नहीं कर पाता, खा नहीं पाता है, तो हम कहेंगे वो बिलो पॉवर्टी लाइन। और अगर व्यक्ति 2250 कैलोरी की ऊर्जा का भोजन ग्रहण करने में सक्षम है, समर्थ है, खरीद पाने में सक्षम है, समर्थ है, तो हम कहेंगे वो अबव पॉवर्टी लाइन। तो इसको कहा गया कि इसने सर्वप्रथम क्या किया था, वैज्ञानिक विधि से क्या किया था, भारत में गरीबी रेखा का आकलन किया था पॉवर्टी लाइन, और पॉवर्टी लाइन क्या थी, 2250 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रति दिन को।
आंकड़े याद रखना, आंकड़ों से ही प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। फिर आगे चलते, आगे बातचीत करें, आगे फिर एक कमेटी बनती है जिसका नाम था वाई के अलग कमेटी, 1977 में बनाई जाती है, 79 में अपनी रिपोर्ट देती है, और वाई के अलग साहब ने ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए अलग अलग गरीबी रेखा निर्धारित की। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन को गरीबी रेखा निर्धारित किया तथा शहरी क्षेत्रों के लिए 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन को गरीबी रेखा निर्धारित किया, और कहा कि अगर ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाला कोई व्यक्ति 2400 कैलोरी की ऊर्जा का भोजन नहीं ग्रहण कर पाता है, कंज्यूम नहीं कर पाता है, तो वो बिलो पॉवर्टी लाइन, और शहरी क्षेत्र में रहने वाला कोई व्यक्ति 2100 कैलोरी की कंजम्पशन नहीं कर पाता है, ऊर्जा का कंजम्पशन नहीं कर पाता है प्रतिदिन, तो वो बिलो पॉवर्टी लाइन है। और अगर करने में सक्षम है, ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी, तो एबव पॉवर्टी लाइन है, ठीक। आगे लिखेंगे वाई के अलग ने, वाई के अलग समिति ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए अलग अलग शहरी क्षेत्रों के लिए अलग अलग गरीबी रेखा निर्धारित की, गरीबी रेखा निर्धारित की। पीएल का मतलब पॉवर्टी लाइन, और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए मैंने अभी आपको बताया कितना, 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, प्रतिदिन, और शहरी क्षेत्रों के लिए कितना, शहरी क्षेत्रों के लिए यही आंकड़ा था आपका 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। आंकड़े याद रखना, ये दिन के हैं, और ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अलग अलग हो गए, ठीक। स्पष्टता आई, ठीक। आगे चलते, कुछ समय और बीता, समय बीतने के बाद कुछ समय बाद एक कमेटी बनती है जिसका नाम था, आप देखेंगे, सुरेश तेंदुलकर समिति, सुरेश तेंदुलकर समिति, सुरेश तेंदुलकर समिति 2005 में बनाई जाती, इसने अपनी रिपोर्ट 2009 में दी। सुरेश तेंदुलकर समिति ने भी गरीबी रेखा का आकलन किया और गरीबी रेखा ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए अलग अलग बताई। ग्रामीण क्षेत्र के लिए पॉवर्टी लाइन क्या बताई इन्होंने, 816 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति माह, ध्यान दीजिएगा, प्रति व्यक्ति प्रति माह, मंथली आंकड़ा हो गया, प्रति व्यक्ति प्रति माह हो गया, ठीक है। और शहरी क्षेत्रों के लिए इन्होंने बताया 1000 रुपया प्रति व्यक्ति प्रति माह। तात्पर्य यह था कि अगर कोई व्यक्ति गांव में रहता है, ग्रामीण क्षेत्र में निवास करता है और 816 रुपए की अर्निंग कर ले जाता है, इतना खर्चा अपनी न्यूनतम मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में, खर्चा करने में सक्षम है, सफल है, सबल है, तो हम कहेंगे कि वो क्या है, वो एबव पॉवर्टी लाइन। और अगर 816 रुपए का खर्चा नहीं कर पाता है तो उसे माना जाएगा बिलो पॉवर्टी लाइन। सेम 1000 रुपए अप्लाई करना शहरी क्षेत्रों के लिए। अब ये तो मंथली आंकड़ा था, इसका क्या आंकड़ा दैनिक भी निकल सकता है, बिल्कुल, 30 से डिवाइड कर दोगे तो लगभग 27 रुपया, लगभग 27 रुपए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन निकल के गरीबी रेखा क्या आएगी, ये प्रतिदिन की गरीबी रेखा है, प्रति व्यक्ति प्रतिदिन गरीबी रेखा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है, और शहरी क्षेत्रों के लिए कितना, 33.33, लगभग आप कहोगे 33 रुपए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, ये थी आपकी गरीबी रेखा। इन्होंने बताया भारत में मात्र 21.9% लोग ही गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, कितने, 21.9% लोग, बस इतने ही लोग। अब आप समझिए, भारत में भीषण क्या हुआ, विरोध शुरू हो गया, भीषण विरोध हुआ, कितने कम लोग गरीब, इतने कम लोग हम मान ही नहीं सकते। मीडिया चैनल, न्यूज चैनल ने बिल्कुल सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, और सरकार डेमोक्रेटिक सेटअप होने का फायदा होता है, तो डेमोक्रेटिक सेटअप होने की वजह से सरकार भी थोड़ा सा चिंतित हुई, और सरकार ने क्या किया,
कुछ ही समय के बाद एक समिति बना दी, समिति का नाम था सी रंगराजन समिति। सी रंगराजन समिति बनाई जाती है 2012 में, इसने अपनी रिपोर्ट्स दी 2014 में। सी रंगराजन साहब ने थोड़ा अच्छे से पॉवर्टी लाइन का कैलकुलेशन किया, इन्होंने अपनी गरीबी में बहुआयामी गरीबी को शामिल किया, मतलब व्यक्ति नॉर्मल गरीब नहीं है, मल्टी डायमेंशनली पुअर, मल्टी डायमेंशनल जो स्टार्टिंग में न्यूनतम मूलभूत आवश्यकताएं बताई थी उन सबको शामिल किया गया। तो इन्होंने क्या बताया, इन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जो गरीबी रेखा बताई थी वो 972 रुपए थोड़ा सा बढ़ा दिया, 972 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति माह, और शहरी क्षेत्रों के लिए कितनी गरीबी रेखा बताई, शहरी क्षेत्रों के लिए उन्होंने गरीबी रेखा बताई 1407 रुपए प्रति व्यक्ति प्रतिमाह, प्रति व्यक्ति प्रतिमाह, ध्यान समझना, 972 रुपए ग्रामीण क्षेत्रों के लिए और कितना 1407 रुपए शहरी क्षेत्रों के लिए। इन्होंने यह भी कहा कि यह संभव है एक व्यक्ति के लिए ये अमाउंट बहुत कम लगे, ये पैसे की मात्रा बहुत कम लगे, बिल्कुल। तो इन्होंने कहा कि हम परिवार के आधार पर कैलकुलेशन करेंगे, और एक परिवार में इन्होंने कहा कि एक फैमिली में कितने मेंबर होते हैं, इन्होंने कैलकुलेशन कहा लगभग 5 सदस्य भारत में होते हैं। तो ऐसी स्थिति में पारिवारिक उपभोग व्यय के आधार पर, ध्यान समझिएगा, इन्होंने व्यक्तिगत भी बताया और व्यक्तिगत के साथ साथ पारिवारिक उपभोग व्यय के आधार पर भी गरीबी रेखा का निर्धारण किया। तो मल्टीपल करो 5 से, 5 2 जो 10 होता है, 5 7 जो 35, 36 3 कैरी किया, और 5 9 जो 45, 45 और 3 48। तो इन्होंने क्या 4860 रुपए प्रति परिवार प्रति माह, प्रति माह। अगर किसी परिवार की इनकम गांव में रहने वाले की कितनी है, हम कहेंगे 4860 रुपए 4860 रुपए 4860 रुपए है, तो हम कहेंगे या इससे ज्यादा है तो हम कहेंगे वो एबव पॉवर्टी लाइन है, गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन कर रहा है, और अगर इससे कम है तो हम कहेंगे बिलो पॉवर्टी लाइन। सेम शहरी क्षेत्रों के लिए अप्लाई हुआ, तो इसके लिए निकल के आया 75 35, और ये कितना हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली, ये हो गया आपका 7035 रुपए, 7035 रुपए प्रति परिवार प्रतिमाह। शहरी क्षेत्रों के लिए वही आंकड़ा क्या था, 7035 रुपए प्रति परिवार प्रतिमाह था, कि अगर शहर में रहने वाला कोई परिवार 7035 रुपए की अर्निंग करने में सफल नहीं है तो हम कहेंगे वो बिलो पॉवर्टी लाइन। और इन्होंने बताया कि भारत में गरीबी कितनी है, तो उन्होंने कहा भारत में गरीबी 29.5% लोग बिलो पॉवर्टी लाइन बीपीएल हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन जीवन यापन करने के लिए मजबूर हैं। कितने लोग, कितने लोग, 29.5% लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने के लिए मजबूर। इन्होंने ये भी कहा कि अगर हम अलग अलग देखें तो ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग लगभग 30.9% लोग, कितना 30.9% लोग बिलो पॉवर्टी लाइन जीवन यापन कर रहे हैं, 100 में से 31 लोग लगभग लगभग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। और शहरी इलाकों में कितने हैं, शहरी इलाकों में इन्होंने कहा 26.4% लोग बिलो पॉवर्टी लाइन जीवन यापन कर रहे हैं। इन दोनों का रेशियो 29.5% निकल के आया, कितना 29.5% लोग बिलो पॉवर्टी लाइन जीवन यापन कर रहे, इतना इन्होंने बताया। ठीक, अच्छी बात है, बताते हैं, बनाने दीजिए, बनाने का काम है इनका। लेकिन हाँ, फिर भी रेशियो बढ़ा, चिंता का विषय था, चिंता का विषय होने की वजह से सरकार ने इस पर बहुत सारा काम किया है, बहुत सारे काम किए। अभी अगर हम आपसे बातचीत करें, आज की अगर हम बातचीत करें, तो बहुत सारे आंकड़े निकलते हैं, जैसे एक ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स निकलता है। ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स बताता है कि भारत में मात्र 16.1%, मतलब लगभग लगभग आप कहिए 16 से 17% लोग गरीबी रेखा से अब नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। ठीक, अच्छी बात है, अगर गरीबी कम हुई है ये तो हमेशा से ही अच्छा इंडिकेशन होता है, लेकिन क्या वास्तविकता में ये संभव है? आप सोचिए, क्या ये वास्तविकता में हो रहा है? अगर वास्तविकता में है तब तो कोई डाउट नहीं, और अगर वास्तविक नहीं है तब तो फिर समस्या का विषय, समस्या का विषय। भारत में अभी ग्लोबल हंगर इंडेक्स का रिपोर्ट आया है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स आप पढ़ते हैं न्यूज़पेपर में, ग्लोबल
हंगर इंडेक्स का रिपोर्ट आया है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में क्या कहा गया, भारत की रैंक जो 2023 में है वो 125 देशों की 125 देशों में 111वीं रैंक है। आप समझ लो ये रैंक है हमारी। हंगर इंडेक्स तो कहीं से भी नहीं दिखाता है कि गरीबी कम हुई, क्योंकि अगर गरीबी कम होती तो लोग भुखमरी से भी तो कम पीड़ित होते। ये 2023 का रिपोर्ट है। स्कोर कितना आया, स्कोर 28.5 है। स्कोर की बातचीत करें तो हमें तो नहीं लिखता है, भारत सरकार कहती है कि भाई ये आंकड़े गलत हैं, आंकड़ों में भारत के साथ में भेदभाव करते हैं, छेड़खानी करते हैं। ठीक है मान लेते हैं, तो फिर क्या जो ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है वो भी विचारणीय है, विचार करने योग्य है? बिल्कुल विचार करने योग्य है। तो बहुत सारे काम किए गए हैं गरीबी को दूर करने के लिए। 20 सूत्री कार्यक्रम चलाए गए 1975 में, 20 सूत्री कार्यक्रम, 20 सूत्री कार्यक्रम। इसके साथ साथ काम के बदले अनाज योजना, काम के बदले अनाज योजना। इसके साथ साथ अगर बातचीत करोगे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधान डिजिटल इंडिया। ध्यान से समझना, ये सब योजनाएं कहीं ना कहीं मेक इन इंडिया, कहीं ना कहीं लोगों को रोजगार देने के उद्देश्य से मेक इन इंडिया, कहीं ना कहीं इनके उद्देश्य से चलाई गई हैं कि ताकि लोगों को रोजगार मिले। सिंपल सी बात है, अगर लोग रोजगार पा जाएंगे, एम्प्लॉयमेंट को पा जाएंगे, तो स्वाभाविक सी बात है अगर रोजगार पाएंगे तो उनको कुछ इनकम होगी, आय होगी। अगर आय होगी तो स्वाभाविक सी बात है वो कुछ खर्चा करेंगे, अपनी उपभोग आवश्यकताओं को तो पूरा करेंगे कि नहीं, उपभोग आवश्यकताओं को पूरा करेंगे या नहीं? तो आप कहेंगे बिल्कुल पूरा करेंगे। और ऐसी स्थिति में गरीबी कम होगी? नहीं, कम होगी। काम तो किए गए इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन काम कितना किया गया है, उसका कितना इंप्लीमेंटेशन हुआ है ग्राउंड लेवल पर, इसके बारे में एक विचार करने वाली बात है। ठीक, तो ये आज का सेशन था, यहीं तक। आज के सेशन में सबको यहीं तक समझ में आया होगा आशा करते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में, सबको धन्यवाद, थैंक यू सो मच।